नमस्ते मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी मनुस्मृति स्वाध्याय की कक्षा नंबर 55 55th कक्षा में आपका स्वागत है। और काफ़ी लंबे समय तक मनुस्मृति की जो कक्षाएं थी वह स्थगित रही, लेकिन एक बार फिर से यहां से पुनः प्रारंभ होती हैं। 55 कक्षाओं तक हमने सातवें अध्याय के 214 नंबर के श्लोक तक हमने पढ़ लिया था और आज हम 215 नंबर के श्लोक से आरंभ करने वाले हैं, जिसको हम विशुद्ध मनुस्मृति में जानते हैं 175वें श्लोक के नाम से। हमने अभी तक जाना कि किस प्रकार से एक शत्रु एक मित्र को हम पहचाने, कौन हमारा शत्रु हो सकता है, कौन हमारा मित्र हो सकता है। सातवां अध्याय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे सामाजिक जीवन, यह हमारे राजनीतिक जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं, युद्ध कैसे करें, मैत्री कैसे करें, मित्रता कितने प्रकार की होती है, शत्रुता कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, और युद्ध की तैयारी, उसका प्री प्रोडक्शन, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, ये एवरीथिंग चीज़ें उसमें दी गई हैं। इन सब को जानने हेतु आपको पिछली कक्षाएं देखनी होंगी और उसके लिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके, तो आपको वैदिक इन्फो के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आवश्यक हो जाता है। तो इसमें कुछ जाता नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और घर बैठे आप अपने ग्रंथ वैदिक इन्फो के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये श्लोक सुनते हैं। उपेतारम उपेयम च सर्वोपायाश्च कृतस्नशः एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयते तो मित्रों, अभी तक के जो श्लोक थे उसमें हमने साम दाम दंड भेद के बारे में जाना था। यहां पर मनु महाराज कह रहे हैं कि जो प्राप्त करने वाला अर्थात हम स्वयं, और प्राप्त करने योग्य अर्थात जो शत्रु है, और सब विजय प्राप्त करने के साम दाम और उपाय, इन तीनों बातों को संपूर्ण रूप से आश्रय करके अर्थात इनको संपूर्ण विचार करके और अपनी क्षमता को देख करके राजा अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही प्रयत्न करे, इन्हें बिना विचारे कभी भी कोई भी कार्य ना करे। अर्थात यदि वो एक बार शत्रु के हाथ लग गया तो उसके बाद में फिर वो वही करेगा जो एक शत्रु के साथ में किया जाना चाहिए। इससे पूर्व में सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल में बताया गया, किस प्रकार से साम दाम भेद और दंड अलग अलग प्रकार से हम शत्रु को अपने वश में कर सकते हैं, क्या क्या उपाय करने हैं, किस प्रकार से घेराबंदी चक्रव्यूह की रचना करनी है, सब चीजें हैं। और सब चीजों को जानने हेतु आपको विशुद्ध मनुस्मृति की हमारी जो पिछली कक्षाएं हैं, जो हमने अभी तक की 54 कक्षाएं आपको पढ़ाई हैं, उन पर एक नजर डालनी पड़ेगी। मंत्रणा एवं शस्त्राभ्यास के बाद भोजनार्थ अंतःपुर में जाना, इसके विषय में मनु महाराज अगले श्लोक में लिखते हैं। एवं सर्वमिदं राजा सह समन्त्रय मन्त्रिभिः व्यायम्याप्लुत्य मध्यान्यः भोक्तु मन्तः पुरं विशे। मनु महाराज कहते हैं कि इस प्रकार राजा, ये जो पूर्वोक्त यानी कि जो सातवें अध्याय के 146 से लेकर के और 215 नंबर तक के जो भी श्लोक हैं, सब के सब मंत्रियों के साथ में विचार विमर्श करके और व्यायाम अर्थात शास्त्रार्थ का अभ्यास, दिमागी कसरत
ये मानसिक व्यायाम यहाँ पर कहा गया कि शास्त्रार्थों का अभ्यास करके, स्नान करके, फिर दोपहर के समय भोजन करने के लिए अंतःपुर अर्थात जो उसका अपना निवास है, जहाँ पर उसकी पत्नी रहती है और उसका परिवार रहता है, उस स्थान पर वो प्रवेश करे। अर्थात यहाँ तक का एक मैटर क्लोज करने के बाद वो अपने घर पर जाए, अपने रूम में जाए और खाना आदि खाए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मीटिंग्स इतनी ज़्यादा लंबी खिंच जाती हैं कि भोजन का ख्याल नहीं रहता। कुछ मीटिंग्स में भोजन का, पत्नी का, बाल बच्चों का, इनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और मीटिंग में जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे मंत्रणा करने वाले जो मंत्री लोग हैं, उन लोगों को विदाउट एनी कंक्लूजन, विदाउट एनी डिसीजन ही छोड़ करके लोग निकल जाते हैं। इस बात को पूरी तरीके से निषेध करते हैं मनु महाराज और कहते हैं कि जो उसका उस टाइम पीरियड तक का जो भी डिसीजन है, उस तक पहुंचाने के बाद में ही सभा को वहां से उठने के लिए कहें और उसके बाद में भोजन के लिए जाएं अपने अंतःपुर में। उसके साथ ही साथ के भोजन का जो समय पूर्वोक्त की कक्षाओं में हमने आपको बताया है, उसको ना खराब करें। अर्थात भोजन के समय पर भोजन करें और विचार मंत्रणा के समय पर केवल विचार मंत्रणा ही करें। अब राजा भोजन कैसे करे, इसके बारे में मनु महाराज अगले श्लोक में बताते हैं। आइए श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। तत्र आत्मभूत हि कालज्य हि आहार्य हि परिचार कहे सुपरीक्षितम् मनाद्यम् मद्या मंत्रहिर्विशापः। तो मित्रों, मनु महाराज कह रहे हैं कि राजा सुपरीक्षित भोजन ही करे। वो श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि वहां अंतःपुर में जाकर के गंभीर प्रेम रखने वाले, जो ऋतु, स्वास्थ्य, अवस्था आदि के अनुसार जो भोज्य पदार्थों के खाने के समय को जानने वाले और शत्रुओं द्वारा फूट में ना आने पर भी, किसी भी प्रकार से शत्रुओं के द्वारा जो फूट में ना आए, जो खरीदे ना जा सके, जो बिके नहीं, ऐसे लोगों को, जो कि आपकी ऋतुचर्या के बारे में तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, ऋतभुक, हितभुक और मितभुक। अर्थात ऋतु के अनुसार भोजन करें, हितभुक अर्थात जो हमारे हित में है, जांच करें कि आपकी प्रकृति क्या है, वात पित्त और कफ, उनको बढ़ाने वाले नहीं बल्कि उनका शमन करने वाले पदार्थों का ही सेवन करें। और हमेशा मितभुक अर्थात मितव्ययता, जिसको कहते हैं ना कम से कम खर्चा करना, वैसे ही मितभुक अर्थात कम भोजन करना चाहिए, पूरा नाक तक के ठोक कर नहीं खाना चाहिए। आम लोगों के लिए भी ये बात कही गई है। आगे कहते हैं ऐसे सेवकों के द्वारा, वैद्यों द्वारा जो कुछ विषनाशक युक्तियां और उपाय हैं, इस प्रकार के अच्छी प्रकार से उनकी परीक्षा किए हुए भोजन को ही खाएं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, भोजन जो है आपका वो सुपरीक्षित हो, बुद्धि बल पराक्रम वर्धक हो, रोग विनाशक हो, अनेक प्रकार के अन्न व्यंजन पान आदि सुगंधित मिष्ठान, अनेक रस युक्त उत्तम से भोजन तो करें, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि वो सुपरीक्षित होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि जो लोग उस समय पर जो भोजन का निर्माण करते हैं और जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी देख रेख में भोजन बनता है, उन लोगों को वह भोजन सबसे पहले खिलाएं, अपने सामने उसी भोजन में से ही खिलाएं और उसके बाद में ही वो भोजन किया जाए। और वो भी कई बार ये भी होता है कि जैसा हम गांव आदि में रहते हैं, तो इसमें हमने ये भी देखा है कि जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं कि वो अपने आसपास जो पालतू पशु होते हैं, वो कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, या फिर उनकी मंडेर पर बैठे हुए कोई चिड़िया आदि हो सकते हैं, उनकी तरफ पहले फेंकते थे भोजन और उनके खाने के बाद में फिर कुछ प्रार्थना आदि करते थे, उसके बाद में ही वो भोजन किया करते थे। तो आज भी जिनके पास में इतना बड़ा तामझाम नहीं कि उनकी पाकशाला हो, इतना बड़ा सब कुछ सिस्टम हो, वो लोग भी अक्सर, उनके दिमाग में है ये सब चीज़ें, उनके मन मस्तिष्क में है कहीं ना कहीं ये बातें, कि वो भी उसका किसी ना किसी तरीके से परीक्षण आदि करके ही भोजन करते हैं।
इसके बाद में मनु महाराज क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थों के जो समान हैं अन्य प्रयोज्य साधनों में, इनमें किस प्रकार से सावधानी करनी चाहिए, अगले श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। एवं प्रयत्नं कुर्वी यान शय्यासनाशने स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालंकारकेषु च। मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कहते हैं कि राजा, और मैं यहाँ पर राजा ही नहीं बल्कि सभी जो आम जन हैं उन लोगों को भी राजा की भांति ही प्रेरित कर रहा हूँ कि वो इन सभी नियमों का पालन करके अवश्य देखें। मनु महाराज कहते हैं कि अपनी सवारी, सोने के साधन जिस पे हम सोते हैं, जो पलंग आदि होता है, आसन, भोजन, स्नान और श्रृंगार प्रसाधन जो कि उबटन आदि होता है, और सब प्रकार के जो राजचिन्ह हैं जैसे कुछ अलंकार होते हैं अलग अलग, इन सभी जो भी योग्य सेवक होते हैं उनके द्वारा परीक्षा कराने और उसमें सावधानी बरतने के बाद में ही उनका उपयोग करें। क्योंकि अक्सर ये होता था कि किसी राजा को मरवाने हेतु जब उनके भोजन का उनको भोजन उनके भोजन को विषाक्त ना कर पाए तो उनके जो उबटन आदि हैं या नहाने का पानी है या उनका जो आसन है जिस पर वो बैठते हैं या जो पलंग है उस पर, इन सब में कुछ ना कुछ इस तरीके की मिलावट कर देते थे या उसमें कुछ शूल आदि लगा देते थे जहर से बुझा हुआ, कि जिससे कि राजा को वो चुभ जाए और फिर सारे के सारे शरीर में जहर फैल जाए। इनकी भी पूरी तरीके से परीक्षा करे, उसी के बाद में इन सब चीज़ों का प्रयोग करे। आगे मनु महाराज भोजन के बाद विश्राम और राज्य कार्यों का जो चिंतन है उसके विषय में उपदेश कर रहे हैं, श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। भुक्तवान विहरेत चैव स्त्रीभिरन्तः पुरे सह विहृत्य तु यथा कालम् पुनः कार्याणि चिन्तये। मनु महाराज कह रहे हैं कि जो हमने अभी कहा, भोजन करके अंतःपुर रनिवास में पत्नी आदि पारिवारिक जन के साथ में आमोद प्रमोद या विश्राम करे, और विश्राम करके तदनंतर उसके बाद में यथा समय पर कार्य जितने भी उसके मुकदमे आदि हैं या सुनवाई आदि है या जो विचार मंत्रणा चल रही है उन राज्य कार्यों पर तुरंत ही विचार करे। उसके जो वापस जो मीटिंग है उनमें तुरंत लोगों के पहुंचने पर वहां पर पहुंचे, तुरंत उस कार्य में ध्यान दे, ना कि अपने पारिवारिक जन जो हैं उन्हीं में ही घुला मिला रहे। यदि वो अपनी मीटिंग को पूरी तरीके से स्थगित करके आ चुके हैं तो वो अपने परिवार के साथ समय गुजार सकते हैं, अन्यथा यदि उनकी मीटिंग अभी भी चल रही है तो परिवार को ना महत्व दें और उससे पहले वो अपने दरबार को, अपने समाज को महत्व दें। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि राजाओं के पास में एक से अधिक पत्नियों का विवरण मिलता है, लेकिन मनु महाराज के द्वारा जो हम पहले भी 777 नाम का जो एक श्लोक था और 3-4 नंबर का जो श्लोक था उसमें भी हम बता चुके हैं, उद्वेहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणवितां, इसमें भी हम बता चुके हैं कि अन्यत्र यह आदेश कई बार किया जा चुका कि पति पत्नी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे जीवन भर उनको वियोग का अवसर आए। यह भी 9.101 में कहा जा चुका है और 102 में भी। इससे ये सिद्ध होता है कि मनु के मत से एक से अधिक स्त्रियों का विधान नहीं है। मनु ने एक से अधिक अर्थात बहु स्त्रियों का सेवन राजा के लिए स्पष्टता निषिद्ध किया है, और ये हमको 7वें अध्याय के 49वें और 50वें श्लोक में मिलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी इस विषय में यही बातें कही हैं, और इनका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि राजा के जीवन को संकट हो सकता है, क्योंकि जो एक रानी है उसका नियंत्रण
और उस पर नियंत्रण काफ़ी आसान रहता है, लेकिन जब एक से अधिक रानियां हों तो उनमें आपस में निरंतर किसी ना किसी विषय में कलह हो सकता है और उस कलह का जो अंजाम होगा वो कहीं ना कहीं पुरुष पर निकल सकता है, राजा पर निकल सकता है, वो परिणाम का भागी वहाँ बिना बात ही राजा भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सैनिकों व शस्त्र आदि का निरीक्षण करना, इसको भी हम श्लोक के माध्यम से सुनते हैं, जो कि मनुस्मृति में 222 नंबर और विशुद्ध मनुस्मृति में 180 नंबर का श्लोक है। अलम कृतश्च संपश्ये आयुधियं पुनर्जनम वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च। मनु महाराज कहते हैं, और फिर अलंकृतः अर्थात कवच शस्त्र आदि जो भी हैं इनमें एवं राज चिन्ह राज वेशभूषा आदि से सुसज्जित होकर के शस्त्रधारी सैनिकों और रथ हाथी घोड़े आदि जो वाहन हैं, सब प्रकार के शस्त्र शास्त्र और जो भंडार हैं और आभूषण हैं, धातु रत्न आदि हैं और उनकी सुरक्षा संभाल आदि जितने भी हैं उन सब का निरीक्षण करें, अर्थात जो भी जहाँ पर भी उसके हथियार रखे हैं उनका भी निरीक्षण करना है और जहाँ पर उसके रत्न आदि रखे हुए हैं उन सब का भी निरीक्षण करता हुआ चले। अब आगे है संध्योपासना एवं गुप्तचरों और प्रतिनिधियों के संदेशों को सुनना। तो मनु महाराज इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, और फिर जब संध्या हो जाए तो सायंकालीन संध्योपासना करे, अर्थात जिसको हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, जिसका विधान हर यज्ञ के पूर्व में होता है। जिन लोगों को संध्या सीखनी है वो अपने नज़दीकी आर्य समाज के जो पुरोहित हैं उनसे मिल सकते हैं। संध्योपासना करना अत्यंत आवश्यक होता है और इसमें हम ईश्वर के प्रति जो हमारी प्रार्थना है, उपासना है, वो सब तो होती ही है, साथ ही साथ हमारे पूरे दिन का निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है और हम आत्ममंथन कर पाते हैं, आत्मावलोकन कर पाते हैं, हम जान पाते हैं कि कहाँ से क्या गलतियाँ हुई और कहाँ से क्या हमको सीखने की आवश्यकता है और अच्छा करने की आवश्यकता है। इन सब का निरीक्षण परीक्षण भी हमारे राजा लोग पूर्व काल से ही करते आए हैं और यह पूरी तरीके से वैदिक विधि है। यह सब कुछ करके शस्त्र शास्त्र धारण किया हुआ राजा महल के भीतर गुप्तचर गृह में राज्य के रहस्यमय समाचारों को लाने में नियुक्त जितने भी गुप्तचर हैं, उनके दूत हैं, गुप्तचरों के जो अधिकारी हैं, इन सब कार्यों एवं समाचारों को सुने, वहां जाए उसके बाद में। और यह जो कार्य है कब करे? सायंकालीन करे, प्रार्थना करने के बाद में, संध्या करने के बाद में ही इस कार्य को करें। उसके बाद गुप्तचरों को समझाकर सायंकालीन भोजन के लिए अंतःपुर में जाए। इसके लिए हम सबसे पहले इस श्लोक को सुनते हैं। और फिर उन सब लोगों को और आगे के लिए जो कुछ भी समझना कहना है उन सब का आदेश करके पुनः फिर अंतःपुर में आकर के
अपने स्त्री और अपने बच्चों के साथ में अपने जो भी अंगरक्षक अंगरक्षिकाएं हैं उनसे सुरक्षित होकर के भोजनशाला के कमरे में भोजन करने के लिए प्रवेश करें। इस प्रकार से यह दिनचर्या हुई और इस दिनचर्या के साथ ही साथ हम इस कक्षा को भी यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी मित्रों ने मनुस्मृति की कक्षाओं को जो प्रेम दिया है, जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि जब हमने आरंभ में इन कक्षाओं को शुरू किया था तब हमारा ये कुछ एक मोटा मोटा आइडिया था कि कुछ 100 लोग ही इन कक्षाओं को देखा करेंगे, क्योंकि लोगों में अक्सर ऐसी मूढ़ता आ चुकी है, ऐसी जड़ता आ चुकी है कि वो रोजाना के समाचार तो देखते हैं लेकिन हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले जो मुख्य बिंदु हैं, जो हमारे वैदिक आर्ष ग्रंथ हैं, उनकी तरफ मुड़कर भी देखना नहीं चाहते। जब यह संख्या एक साथ 10,000 पहुंची पहली ही कक्षा के साथ में, तब हमारा जो अंदर से आत्मविश्वास था वो जगा और हमें लगा कि ये कक्षाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं आप सबको प्रभावित भी कर रही हैं और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स थे, जो आपके कमेंट्स थे, उन सभी चीज़ों को देख करके भी लगा कि आप इनको अपने अंतःकरण के साथ सुनते हैं और ढालते भी हैं अपने आप को इनके अनुसार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हालांकि यह सहज कार्य होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, धन्यवाद नहीं बल्कि मैं आप लोगों को और प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने स्तर पर भी और जितनी भी कक्षाएं हैं YouTube पर खोजिए, उन सब का भी ज्ञान ग्रहण कीजिए। अंत में आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए मैं इस कक्षा को विराम देता हूं और आगे हम 10-10 12-12 मिनट की ही कक्षाएं लेकर के आएंगे। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृणवंतो विश्वमार्यम।